हेलो एवरीवन वेलकम यू टू दिस रिवीजन वीडियो ऑफ सी अर फाइनल ऑर्डर जिसमें हम देख रहे हैं आप चैप्टर नंबर वन क्वालिटी कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ए कैटेगरी पक्का क्वेश्चन आता है मेनिया टाइम्स कंपलसरी में आता है इसमें एस क्यू सी वन एज ए टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी और ओवर व्यू ऑफ पब्लिक इनफैक्ट फैक्ट प्योर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू और नफरा दिया हुआ है सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो में सबसे पहले इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंगस्ट ऑल दीज टॉपिक्स कवर करेंगे विच इज एस क्यू सी वन नाम इतना बड़ा है कि दो मार्क तो नाम लिखने के ही मिल जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट तो सबसे पहली बात ऑडिट के ऊपर लगते हैं, ऐसे रिव्यू के ऊपर लगता है एस अदर एश्योरेंस के ऊपर लगता है स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट ऐसे और रिलेटेड सर्विसेज पे लगता है एसर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस एसक्यूसी इन सभी के ऊपर लगता है एक अच्छी चीज़ मैंने आपके लिए करी है कि इस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन हैं वो किस टॉपिक से रिलेटेड है मैंने साथ में क्वेश्चन की मैपिंग भी आपको दे दी है जैसे क्वेश्चन नंबर थर्टीन में ये पूछा गया है कि एक कंपनी है जिसने आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए अपॉइंट किया है और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके देने ऑडिटर का ऐसा मानना है कि स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल नहीं लगेगा तो हमें बोलना पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका स्कोप है कि ये सारी एंगेजमेंट्स पे लगता है एंगेजमेंट का मतलब होता है कोई भी असाइनमेंट तो इवन इफ इट इज अ रिलेटेड सर्विस असाइनमेंट लाइक कंपाइलेशन एस क्यू सी वुड बी एप्लीकेबल एस क्यू सी वन इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर फॉर्म्स यहाँ पे फॉर्म का क्या मतलब है तो इट इज नॉट नेसेसरली अ पार्टनरशिप फॉर्म इट कुड बी प्रोपराइटरशिप फॉर्म या कोई भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस जो ऑडिट असाइनमेंट या ऐसे सिमिलर असाइनमेंट्स कर रहा है दैट इज रेफर्ड टू एज द फॉर्म तो उसे कैसे क्वालिटी कंट्रोल के अपने यहाँ पर सिस्टम डेवलप करना असाइनमेंट रिलेटेड वेदर इट इज ऑडिट वेदर इट इज रिव्यू वेदर इट इज अदर एश्योरेंस वेदर इट इज रिलेटेड सर्विस दीज आर कवर्ड अंडर थ्री डिजिट सी हंड्रेड टू एट हंड्रेड एस आर ईज टू थाउजेंड सीरीज ऐसे ही थ्री थाउजेंड सीरीज और एस आर एस फोर थाउजेंड सीरीज में सबसे पहले अपन बात करते हैं एस क्यूसी वन में ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वहाँ इंपॉर्टेंट होता है जब क्वेश्चन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू दैट स्टैंडर्ड है जैसे कि ऑडिटर ने कोई कंसर्न चेक ही नहीं किया और उससे रिलेटेड कहानी बना के पूछा बताइए ऑडिटर ने क्या ठीक किया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एस एस आई हंड्रेड एंड जेवेंटी गोइंग कंसर्न क्या है और ऑडिटर और ने ये अचीव नहीं किया इसलिए उसने गलत किया तो हर स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए लेकिन इस एस क्यू सी वन का क्या ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अब भाई सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है तो सीधी सी बात है आप स्कूल में जाते थे तो उनका क्या सिस्टम होता था एक सिस्टम होता था कि भैया स्कूल चालू इस समय होएगी बंद इस समय होएगी रिसिस ये टाइम पर होएगी सिस्टम होता था कि ये छुट्टियाँ होंगी सबसे इंपॉर्टेंट पेज आपके हैंडबुक का सिस्टम होता था कि आपको इस इस समय पर एग्ज़ाम्स देनी है ये पासिंग परसेंटेज होगा ऐसे प्रमोट किया जाएगा सिस्टम होता था यहाँ से आपको कपड़े खरीदने यूनिफॉर्म किताबें खरीदनी कमीशन मिलता है तो उन्होंने क्या किया कुछ नहीं ये सारी चीज़ों की पॉलिसी बना दी वो मिलके इनका सिस्टम कहला देगा सेम इसी तरह से एक सी एफ का भी सिस्टम क्या होगा सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अल्टीमेटली इन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स का उद्देश्य क्या होगा कि भाई हम अच्छी क्वालिटी सर्विस दे सके एज ऑफ सी एफ तो कौन अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस मानी जाती है दे रही है एक डॉक्टर के पास जाओगे तो आप कब बोलोगे कि यार ये डॉक्टर की क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छी है जब दो चीज़ सबसे पहली बात तो वो आपका इलाज सही से, से कर पाएगा यानी कि वो जो पर्चा लिख के देगा आपको दवाई का दैट मीन्स रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट इन पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हर चीज़ के लिए स्टेडाइड दे के एकदम मस्त रेडबुल बना दे तो इसके लिए हमें यह भी चाहिए कि वो अपना काम अपने कानून के दायरे में भी कर रहा है और प्रोफेशनली कर रहा है तो हम डॉक्टर के पास गए और हंसी मजाक खिलवाड़ डरने लगे हमारे साथ हमने वाला अन आदमी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करे ये फ्रेज़ ऐसे ही लिखना है एग्जाम में तो बहुत बढ़िया इंपैक्ट और इम्प्रेशन पड़ेगा पी एस आर एल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट बार बार यूज होगा सो वी नीड टू इन्श्योर दैट फॉम एंड इट्स पर्सोनल कम्पलाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट तो एक लॉयर के पास गए उससे ओपिनियन मांगा उसने ड्राफ्ट करके दिया कब लगेगा अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सबसे पहली बात जब उसने अपनी ड्राफ्टिंग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनली करी है, जो कानून में लिखा है उसके अनुसार उसने ओपिनियन दिया और उसका ओपिनियन की रिपोर्ट पढ़ के लग रहा है अप्रोप्रिएट है सिमिलरली एक सीए को कब लगेगा एक सीए ए फॉर्म से कब लगेगा क्वालिटेटिव काम है जब फॉर्म और उसके पर्सनल प्रोफेशनली स्टैंडर्ड्स के थ्रू काम करेंगे रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सरकमस्टांस इशू करेंगे हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कैसे डेवलप करेंगे बाय बेसिकली डिजाइनिंग द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच हेल्पर्स टू अचीव दिस तो भाई किसके ऊपर लगता है ये सारी फॉर्म के सारे एंगेजमेंट्स पर लगेगा तो ये स्टैंडर्ड्स प्रणाली जितने भी बनाए गए हैं उन सब के कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड आप असाइनमेंट कर रहे हो तो उसके लिए ये एस बन लगे तो सवाल ये है सब पे लग रहा है तो आई क्यों नहीं एक बढ़िया पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल बना के ही दे दे और बोल दे सारी फॉर्म को यही फॉलो करना है वन साइज नेवर फिट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्म सम firm में be doing only audit, सम firm में be focusing too much on audit, सम में not be doing listed entities audit, तो सबके policy procedures एक saman नहीं हो सकते plus network firm का part हो तो हो सकता है उनका एक common policy procedure। तो इसलिए आपको अपना policy procedure खुद बनाना है definition अपन जैसे ऐसे relevant topics पढ़ेंगे तो terms आएगी तो discuss कर लेंगे अब सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है तो कैसे बनाना है कुछ नहीं है पॉलिसी और प्रोसीजर छह चीज़ों के लिए बना दो और अपने ये कम्युनिकेट करो कैसे पॉलिसी प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करो नॉर्मली एक आपका मैनुअल बन सकता है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल उसको डॉक्यूमेंट करके सबको बता दो जिसमें छह चीजें होना चाहिए ये छह चीज ही आपका एक्सक्यूसिवन है सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई देखो कोई भी चीज़ अगर आपको सिस्टम बनाना है तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी किसी एक काबिल व्यक्ति के ऊपर छोड़ना जरूरी है ताकि वो उसको स्पीयरड करे वो देखे कि भैया मैं इसका क्या हूं मुखिया हूं मेरे कंट्रोल में मैं ये सारी चीज़ें करूंगा तो वी नीड टू फिक्स द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फॉर्म ये आदमी आपकी पूरी फॉर्म के लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स क्वालिटी के ना सिर्फ बनवाएगा ये भी इंश्योर करेगा कि वो इम्प्लीमेंट हो यह भी इंश्योर करेगा एम्प्लॉय उसे समझे ये भी इंश्योर करेगा, करेगा कि लोग उसे फॉलो करें नहीं करें तो उसके ऊपर एक्शन भी लेगा उन्हें ट्रेन भी करेगा इंप्रूव भी करेगा तो सबसे पहले लीडर कैसा होना चाहिए एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो एक कल्चर डेवलप कर सके क्वालिटी इज असेंशियल इन परफॉर्मिंग दी एंगेजमेंट ईवाई का लोगों का भी आपने सुना क्वालिटी इन एवरी थिंग वी डू इज वॉट दे से तो ये कैसा आदमी होना चाहिए देखो इसके विजुअल निमोनिक मेमोरी बनाइए ऐसा होना चाहिए लीडर देखो कितने अच्छे से सबको तैयार करके आर्टिकल्स को सामने खड़ा कर रखा है एकदम कल्चर्ड लग रहे तो ये हमारा लीडर कैसा होना चाहिए दैट इज एबल टू ही इज एबल टू डेवलप अ कल्चर ऑफ क्वालिटी विच इज असेंशियल इन परफॉर्मिंग दी एंगेजमेंट सर ये है क्या किताब हम पहली बार देख रहे हो अरे तूने ड्रोन चार्ट नहीं देखे क्या कर रहा है ओ, 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 एलियन पृथ्वी से है या नहीं है तू एनी विचवेज लेकिन अगर आप इन केस ब्रह्मा से पढ़ रहे हैं, तो भी सेम कंटेंट है ए सी का मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं सेम कंटेंट है हालांकि इतना खूबसूरत आपका ए मॉड्यूल में नहीं मिलेगा बट आप कुछ भी रेफर कर सकते हैं डिविजन वीडियोज़ के साथ कुल cool. तो लीडरशिप क्वालिटी में सबसे भली चीज़ है कि एक कल्चर डेवलप करे आप किसका जिसमें हम इंश्योर कर सके कि क्वालिटी इन असेंशियल इन एवरी एंगेजमेंट विच हुई परफॉर्म ये जिम्मेदारी आप किसी बड़े आदमी को दीजिए फॉर्म के सी या मैनेजिंग पार्टनर को तो ही वो सबके ऊपर इसे इंप्लीमेंट करा पाएगा उसको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ऑब्वियस ऑब्विस्सी बात है उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिसके कई तरीके हो सकते हैं सबसे सही तरीका एक डॉक्यूमेंटेड मैनुअल बनाइए इंटरनल डॉक्यूमेंट बनाइए और सबको इत्तला कर दीजिए तो मेक एन इंटरनल डॉक्यूमेंट अ पॉलिसी ट्रेनिंग मटेरियल एंड कम्युनिकेटेड टू एवरीबडी इन द फॉर्म फॉर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसी होना चाहिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है बढ़िया मस्त क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज टाइप का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है बोला है कि यार एक कंपनी है जिसके ऊपर काफी एलिगेशन लगे हैं कि यार ये है ना फ्रॉड श्रॉड कर रही है इसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी भी चल रही है ईडी वगैरह की और इन सब के बावजूद भी उस कंपनी का जो मुखिया है वो हमारी सी एफ एम के जो मैनेजिंग पार्टनर है उनका करीबी दोस्त है और उसने बोला यार हमारा ऑडिट तुम करो हम चाहते हैं कि हमारे ऑडिट कंपनी का तुम्हारे द्वारा किया जाए और मोटी फीस देने को तैयार और मैनेजिंग पार्टनर हमारी फर्म का बोल रहा है कि यार हमें ये ऑडिट ले लेना चाहिए क्योंकि पाईसा, 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 पैसा 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 खूब पैसा मिल रहा है तो आप बताइए क्या ये अप्रोच जो फर्म की है वो सही है या नहीं है और क्या लैकिंग है तो पढ़ते से एकदम से आपको लगेगा यार आंसर तो अंदर से यू निकल रहा है पर ऐसे निकलने से नहीं होगा हमें आंसर लिख रहा है इस पर तो ये इशू है क्वालिटी कंट्रोल हमें कहना पड़ेगा कि भाई फॉर्म की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कैसी होना चाहिए जिसमें जो सुपरवाइजर मैनेजमेंट टॉप लेवल के लोग हैं वो फोकस करे किस पे क्वालिटी पे ना कि कमर्शियल्स पे दैट मींस कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म वी शुड असाइन मैनेजमेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे इंश्योर दैट क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज फॉर मनी सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं आपको उन लेवल पे भी इंश्योर करना है कि उनका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट हो उन्हें प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाए प्रमोट किया जाए ताकि वो लोग भी जो अच्छा काम करें उनको प्रमोट करें जो नहीं करें उनको डिमोट करें और ये सब कैसे होगा तो ये सब होगा थ्रू मेकिंग अ क्वालिटी कंट्रोल टीम तो आपके पास क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर बनाने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए उसको अपडेट करने के लिए एक टीम होना चाहिए सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर शुड बी डिवोटेड तो फॉर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो भैया हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए एक नंबर क्वालिटी काम ए ए ए ग्रेड क्वालिटी सर्वो पर ही बी एड्रेस स्टाफ इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट कॉम्पनसेशन इवेल्युएशन एंड अलोकेट रिसोर्सेज मेक अ टीम फॉर योर क्वालिटी कंट्रोल एक और बात ध्यान रखें दोस्तों क्वालिटी तभी आ पाएगी जब आपकी टीम में वैसी काबिलियत है काबिलियत यानी एबिलिटी एबिलिटी के साथ साथ उनका अनुभव भी होना चाहिए तभी वो अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से वाहन कर पाएंगे पर उनको अथॉरिटी भी दीजिए इसलिए इंपॉर्टेंट टू गेट क्वालिटी दैट वी शुड हैव अ टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल हैज द रिक्विजिट अथॉरिटी ज द नेसेसरी एक्सपीरियंस एज वेल एज एबिलिटी एंड केपेबिलिटी ओनली देन वील बी एबल टू अचीव क्वालिटी दिस इज बेसिकली रोल ऑफ लीडर फॉर क्वालिटी इन द फॉर्म ये पहला पॉइंट हो गया अब हमारा दूसरे पॉइंट पे आते हैं विच इज एथिकल रिक्वायरमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है फाइव प्लस वन इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्फिडेंशियलिटी ये पांच एथिकल रिक्वायरमेंट आपने एथिक्स में पढ़ी है यह सेम यहाँ पे दी हुई है और प्लस वन में होती है इंडिपेंडेंस वो ये इंडिपेंडेंस भारत का झंडा लगा दिया अपन ने यहाँ पर यानी कलर्स लगा दिए ताकि आप उसको रिलेट कर सके हालांकि दोनों का को कोई कनेक्शन नहीं हमें कैसे इंश्योर करना है ये पांच चीज़ों को तो अब इसी बात है हमारे एथिक्स में बताया गया हमें ये सब चीज़ें फोर्स करनी है इनफैक्ट इन्फोर्स करनी है पर इसके लिए आप क्या करें आप अपने बिजनेस में हमेशा टाइम टाइम पर इन चीज़ों को री करते रहें यानी बार बार लोगों को याद दिलाते रहे जगाते रहे होता है ना स्कूल जाते थे तो रोज सुबह प्रेयर कराते थे ताकि रोज आपको याद दिलाया जाए कि ऑल ब्रदर्स एंड इंडिया आगे का नहीं बोलना तो ऐसे याद दिलाना है अपने को स्टाफ को सबको कि अपने को क्या करना है भैया फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे फोकस रखना है सबसे पहले लीडर को जिम्मेदारी दीजिए कि वो सबसे पहले एथिकली काम करे बिकॉज पीपल सी देम एज देयर एग्जाम्पल्स सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा तो आपको क्या करना है स्टाफ को भी ट्रेन करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर और मॉनिटर करना है कहीं वो गलती तो नहीं कर तो हमें ट्रैफिक रूल सिखाने भी हैं और साथ ही साथ में हमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाने हैं हर चौराहे है पे कि कोई तोड़ रहा है अगर तो मालूम पड़े और अगर कोई तोड़ रहा है तो उसके साथ एक्शन लीजिए क्योंकि क्या होता है दोस्तों गलती करने वाले अगर निकल जाते हैं तो उन्हें लगता है बार बार करी जा सकती है पर पकड़ लिया जाता है तो उन्हें लगता है और वो शौ को बताते भी यार भैया मैं पकड़ में आ गया था तू मत करना ये तो पहला पार्ट हो गया नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा ही आप देखो कोई पूरा का पूरा चैप्टर ही कोई ये सॉरी पूरा पेज ही कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आप देखो कहीं भी कोई क्वेश्चन की मैपिंग नहीं है तो ये क्वेश्चन मैपिंग से आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या का कमिंग ऑन टू इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस में हालांकि आपका इंडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर है इससे रिलेटेड सबसे पहली बात फॉर्म और उनके पर्सनल को इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है कैसे करनी है आप एम्प्लॉइज को समझाओ सबको बताओ अदर्स मतलब एक्सपर्ट वगैरह को एंगेज कर रहे हो कि क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट है प्लस आइडेंटिफाई करो कि कोई थ्रेट तो नहीं पैदा हो रही है अरे पांच थ्रेट अपन ने एथिक्स में पढ़ रखी थी सेल्फ रिव्यू वगैरह टाइप की तो अगर कोई ऐसी थ्रेट है तो इवेल्युएट करके उसके ऊपर एक्शन लो कैसे एक्शन हो सकते हैं जैसे कि मालूम पड़ा कि ओ माई गॉड हमारी जो ऑडिट इंगेजमेंट टीम है उस टीम के एक आर्टिकल का मैनेजिंग डायरेक्टर की लड़की के साथ रिश्ता है वो उसकी सिस्टर है तो जर सीधे बोलो ना मैनेजिंग डायरेक्टर उसके फादर हैं उस सॉरी तो ऐसे केस में हमें उसे रीम से हटाना पड़ेगा और उसने जो काम किया उसको किसी और से करवाना पड़ेंगे और इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी टीम के सारे मेंबर्स इंडिपेंडेंट रहे पर यहीं पर अगर मालूम पड़ा कि हमारी ही लच्छे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पार्टनर के रिलेटिव ने कंपनी के शेयर खरीद लिए तो एक लाख की फेस वैल्यू के ऊपर गए तो सिक्सटी डेज में बिकवा दो तो चल जाएगा पर पार्टनर ने खरीद लिए तो कुछ नहीं हो सकता आपको विकेट करना पड़ेगा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई की थ्रेड क्या है क्या उसे रिलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है एक्सेप्टेबल लेवल तक बाय अप्लाइंग सेफ अगर हाँ तो करिए नहीं है तो विड्रॉ भी करना पड़ सकता है तो पॉलिसी और प्रोसीजर की जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड कि वो पार्टनर को इंफॉर्मेशन सॉरी पार्टनर फॉर्म को इंफॉर्मेशन कि अगर उसे कहीं भी इंडिपेंडेंस ब्रीच लगता है एम्प्लॉई के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जाए कि भैया देखो ये ये चीज़ें करना अलाउड नहीं है इंडिपेंडेंस का थ्रेट होगा तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ करे जिससे कि थ्रेट हो सकता है तो ऐसा उन्हें दिखे तो वो इन्फॉर्म करे और ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आप एक्यूमुलेट करिए और देखिए कि क्या हम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट सेटिसफाई कर रहे हैं मैंटेन कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो क्या एक्शंस ले सकते हैं अब सर इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई इंडिपेंडेंस ब्रीच हो गया देख रहे हो ये ब्लॉन्ड अरे सर ब्लॉन्ड लड़के को बोलते हैं सॉरी तो ये फ्रेंच बियर्ड वाले लड़के को क्या बोल रहा रहे हो अरे तेरे को मालूम है उन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है बोले है उसको तो देख के लगता ही नहीं था कि यार उसका कोई होगा भी क्योंकि कैसे देखने में एकदम पढ़ने वाली लगती है तो बोला अरे ऐसे ही होता है यार जो दिखते इंडिपेंडेंट वो होते नहीं है तो मुझे बताओ दोस्तों कि जब आपको ऐसी कोई चीज़ पता पड़ेगी विच इज़ अ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस अरे सर ये क्या एग्जाम्पल है मतलब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको मालूम पड़ेगा कि हम वक्त तो ब्रीच हो गया जैसे एग्जाम्पल है कि मेरी नेटवर्क फर्म ने जो प्रोहिबिटेड एरियाज ऑफ वर्क है सेक्शन वन में से उसमें से कोई ले लिए और हमें मालूम पड़ा कि ये भगवान नेटवर्क फर्म ने ये क्या कर दिया मैं ऑडिटर हूँ उस कंपनी का और उसने इससे रिलेटेड कोई वर्क ले लिया तब हम क्या करेंगे तो सबसे पहले बात बताओ भाई ब्रीच पता किसको पड़ेगा सर हो सकता है एम्प्लॉज़ को पता पड़े तो एम्प्लॉयी को आपको बताना है कि भाई तुम्हें कोई भी ब्रीच पता पड़े तो इमीजिएटली तुम फॉर्म को नोटिफाई करो हो सकता है फॉर्म को पता पड़े बाहर से नेटवर्क फर्म्स की इन्फॉर्मेशन फॉर्म के पास आई तो वो पार्टनर को बताएगी कि अरे सुनो ऐसी गड़बड़ हो गई है यार अब क्या करना है और फिर ये लोग बैठ के डिसीजन लेंगे फॉर्म को इन्फॉर्म करके तो फॉर्म पार्टनर सॉरी एम्प्लॉयज़ या पार्टनर को कुछ भी पता पड़ता है तो वो भी फॉर्म को बताए प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट करे और भाई बाट में साथ के डिसीजन लोगे कैसे मैटर रिजॉल्व होगा प्लस एक बेहतर होगा आप एनुअल कन्फर्मेशन अपने सारे एम्प्लॉई और पार्टनर से ले लें कि उन्होंने अपने सारे काम इथिकली करें ये इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अब इसमें एक पॉइंट ऑफ एमलियरिटी थ्रेड क्या होता है दोस्तों जब तीन लोग बहुत साथ में लंबी समय तक चलते हैं तो हो सकता है कि एक की आंखों में ऐसी पट्टी बन जाए कि इनका साथ ही अपने आप में इतना हो कि इसे लगे कि आई एम सेफ सर क्या समझा रहे हो छोड़िए अगर आप लंबे समय से किसी एक कंपनी का ऑडिट करोगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो चीजें गलत हो भी रही है नहीं दिखेगी क्योंकि आपको लगे इतने साल से तो कर रहा हूँ सब तो नॉर्मल पूछिए उस बच्चे से जो छठी बार अटेम्प्ट दे रहा है उसे लगता है सब तो पढ़ा हुआ है यार अब इसमें क्या छूट रहा है ये फेमिलियरटी थ्रेड है फेमिलियरिटी थ्रेड का मतलब क्या होता है लॉन्ग पीरियड इफ यू आर एसोसिएटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी यू में स्टार्ट नॉट लुकिंग एट थिंग्स विच यू शुड बी लुकिंग एट For that particular reason, we need to reduce the familiarity threat for which Companies Act already has provisions of rotation. What does SQC says? We have to talk about that. Standard on quality control कह रहा है कि भाई अपन एक criteria तो set करो यार, जिसमें हम क्या define करेंगे कैसे familiarity threat को acceptable level तक reduce करना। इसके लिए आप ये decide करो कि कहाँ पे आपको rotation of partner या rotation of firm, यानी audit कितने साल बाद छोड़ देना चाहिए या कम से कम partner बदल देना चाहिए। तो किन एंटिटीज़ में आप ऐसा प्रेफर करोगे ऐसी एंटिटीज जो नॉर्मली पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ है ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी डिपेंड करेगी आप कितने साल से उसका ऑडिट कर रहे हो और नेचर ऑफ एंगेजमेंट भी कि उसमें कितना स्टेक इन्वॉल्व है हालांकि आप अपनी जो भी पॉलिसी बनाओ एस की उसी कंपल्सरली बोलता है कि सात साल में आपको कंपल्सरली पार्टनर चेंज करना पड़ेगा अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं इसका मतलब आई एम एस वर्म आई बीन अपॉइंटेड इन फर्स्ट एजीएम टिल सिक्स एजीएम नो प्रॉब्लम सिक्स एजीएम में रीअपॉइंट कर दिया अटल टेंथ एजीएम नो प्रॉब्लम मेरी वम का नाम है पी डब्ल्यू सी फर्स्ट एजीएम से लेके मिस्टर पी ही एंगेजमेंट पार्टनर है जो साइन कर रहे हैं रिपोर्ट पे जो मुखिया है उस ऑडिट के तो कोई दिक्कत नहीं है बस वो दस साल तक नहीं कर सकते सात साल के बाद पी की बजाय डब्ल्यू सी या जो भी दूसरे आपके पार्टनर हैं उनको आप चेंज कर दो और उनको मुखिया बना दो उस पर्टिकुलर ऑडिट का तो कम से कम एंगेजमेंट पार्टनर चेंज होने से थोड़ी फेमिलियरिटी थ्रेट तो कम होगी प्लस पियर रिव्यू मैंडेटरी होता है लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट के लिए यह भी एक तरह से आपकी मदद करेगा रिव्यू करने में कि क्वालिटी कंट्रोल आप फॉलो कर रहे हैं यानी मोर ऑन पीयर रिव्यू लेटर चलिए तो इसी के साथ आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का सेकंड पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया अब आते एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वेरी इंपॉर्टेंट आप देखो इस पर्टिकुलर पेज पे आपको इस पार्ट में क्वेश्चंस की भरमार दिखेगी अगर आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है और बोलता है कि भाई तेरे को ऐसे ही दूंगा और तू दूं मेरा ऑडिट ले ले तो क्या आपको, आपको पे पट्टी बांध की ऑडिट स्वीकार कर लेना चाहिए नहीं वापस से वही बात पैसा पैसा तो एक तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी शुड नॉट बी ओवर बाय मनी ली वन यू गट अंट नॉ एक्सेप्ट एनी वर्क यू शुड चेक द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था दोस्त का ऑडिट हमें मिला था उसमें दोनों पॉइंट के रेफरेंस आएंगे तो ये क्या बोल रहा है नए ऑडिट एक्सेप्ट करना या क्लाइंट रिलेशनशिप में री अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने में आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होना चाहिए जो एक रीजनेबल एश्योरेंस दें क्या कि हम तभी कंटिन्यू यानी री अपॉइंटमेंट लेंगे या नया ऑडिट एक्सेप्ट करेंगे जब हमने कम से कम क्या करना है तीन चीज़ें इवेल्यूएट करना है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी हमारे पास क्या टाइम और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है विथ केपेबल रिसोर्स और एथिकल रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं इसके अलावा अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है उसके साथ जब री अपॉइंटमेंट के केस में लगेगा ना आप उसे भी कंसिडर कर लें चलो सबसे पहले इंटीग्रिटी की बात करते हैं मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में तुम्हें क्या कंसिडर करना है तो क्लाइंट की इंटीग्रिटी है नॉट मैनेजमेंट की तो सबसे पहले देखो भैया उसके ओनर्स कौन है उसके की मैनेजेरियल पर्सन कौन है दाऊद के भाई भाई तो एज इन कोई अंडरवर्ल्ड के लोग तो नहीं भैया दूर रहो उससे क्यों क्योंकि तुम रिपोर्ट क्वालिफाई करोगे तो वो तुमको <laughs> चलिए एलिमिनेट कर देगा एनी विज तो गेट टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी एटीट्यूड बिजनेस रेपुटेशन उनके ऑपरेशन समझो कि आपको समझ आ रहे हैं यानी माइनिंग ऑपरेशन है आपको लगता है अपने को नहीं समझ आएंगे छोड़ दो तो मतलब एडिट देखिए कि क्या वो आपके ऊपर लिमिटेशन इम्पोज हैं और ये जल्दी ऑडिट खत्म करना है तो ही हम आपको अपॉइंट करेंगे सुनो पिछली बार के ऑडिटर को हमने इजीली रिअ अपॉइंट नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा था तो ये प्रेशर बना रहा है आप पे तो ऐसे केस में आपको इसकी इंटीग्रिटी पे डाउट होगा मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि ये बहुत काला सफेद करता है प्लस आप पूछो उससे वाई मी वाई नॉट इफ़ यू री अपॉइंटेड द प्रीवियस ऑडिटर इससे आपको और पता पड़ेगा कि क्या रीजन्स ऑबियसली हम प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करते पर मैनेजमेंट से भी पूछेंगे साथ ही साथ में जो बहुत निगोसिएशन करते हैं नॉर्मली उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट होता है क्योंकि वो लोग कंट्रोल्स पर ज्यादा फोकस करते हैं तो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी चेक करने के लिए ये सब आपके पास सोर्सेज हैं जहाँ से इनफैक्ट ये सब आपको चेक करना है सोर्सेज क्या क्या है इन्फॉर्मेशन के <laughs> लड़कों से बेहतर कौन बता पाएगा इस सवाल का जवाब

हो सकता है अपन जानते हैं कि वो कहाँ कोचिंग पढ़ने जाती है कौन उसके टीचर हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल किसकी कौन उसकी यार दोस्त है तो देर बैंकर इंडस्ट्री एक्सपर्ट है इन सबसे प्लस जैसे कि आपने बोला सोशल मीडिया यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड रिसर्च तो ये सब सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट अब अपन ने मैनेजमेंट को देखा हमने बोला एथिकल है भैया बढ़िया है बिजनेस अपने को समझ भी आ रहा है चलो कर सकते हैं ऑडिट पर अपन ये भी देख ले अपने पास लोग भी है या नहीं है मालूम पड़ा तुम्हारे सारे आर्टिकल्स तो छुट्टी पे जा रहे हैं कहाँ से तुम ऑडिट एक्सेप्ट करके करोगे मुलायन जैसी कंपनी का ऑडिट मिला है ऑफिस में दस आर्टिकल रोज आते नहीं है कहाँ से कर लोगे तो सबसे पहले देखो कि क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त समय है उतने रिसोर्स हैं प्लस केपेबिलिटी भी होना चाहिए ऐसे मजबूत रिसोर्स चाहिए एकदम डटे हुए तो किस तरह की कॉम्पिटेंसी टाइम और रिसोर्स की कैपेबिलिटी चेक करना है उनके पास इंडस्ट्री का नॉलेज हो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का नॉलेज हो पर्याप्त तो मात्रा में लोगों को वो टीम असाइनमेंट के लिए या अवेलेबल किए जा सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए एक्सपर्ट की अवेलेबिलिटी अगर चाहिए तो आप देख लो कि आप एक्सपर्ट अवेलेबल कर पाओगे कुछ काम के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट करने वाले लोग लगेंगे जैसे सिस्टम्स ऑडिटर उसका नॉलेज क्या विद इन द टाइम गिवन आप एक्सेप्ट कर पाओगे कर पाओगे असाइनमेंट तो ही आप एक्सेप्ट करें ये सब में आपको कई सारे हो सकता है इशूज़ आए तो आपने देखा कि यार कोई क्लाइंट है जिसपे लच्छे फॉर एग्जाम्पल डी एच एफ एल के ऊपर गैस लगाए कि इसने फ्रॉड शॉड किए हैं फिर भी उसका ऑडिटर तो अपॉइंट हुआ बाईजूस के ऊपर इतने गैस लगे पर बी डी ओ ने ऑडिट तो एक्सेप्ट किया है तो उनको इशूज़ आए फिर भी एक्सेप्ट किया कोई रीज़न रहे होंगे तो जो भी इशूज आए डॉक्यूमेंट करो कैसे कि रिजॉल्व किया और आ, देख क्या लॉजिक से उसे कंटिन्यू एक्सेप्ट किया अब कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको शुरू में सब कुछ रोजी रोजी लग रहा हो बिकॉज वी नो लव इज ब्लाइंड लेकिन फाइनली शादी के बाद हमें लग रहा है हे hey भगवान हमें उसके बारे में ये सब तो पता ही नहीं था अगर उसने हमें ये सब पहले बताया होता तो हम उससे शादी ही नहीं करती इसका मतलब वॉट हैपन्स इफ लेटर ऑन यू गेट टू नो एनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विच लीड्स टू डिक्लाइन इन एंगेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट तो भैया अगर आपको बाद में पता पड़ा है कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगता है वो माई गॉड हमें एंगेजमेंट छोड़ देनी चाहिए विड्रॉ कर लेना चाहिए तो सीधे देखो दोस्तों तलाक ही एकमात्र जरिया नहीं है आप सोचिए अब दोनों की नहीं पट रही है नहीं पट रही है तो हम क्या करेंगे एकदम एकदम विजुअल क्या करेंगे हम फॉर्म सब्सिक्वेंटली एनी इंफॉर्मेशन लीडिंग टू डिक्लाइन इन एंगेजमेंट यानी हमें छोड़ना पड़ रहा, रहा है कोई

जैसे कि आप देखेंगे सेवन चैप्टर में हम बढ़ेंगे कुछ केसेस में लिस्टेड एंटिटी के अगर आपने क्वार्टरली रिव्यूज़ किए हैं तो आप चाह के भी ऑडिट छोड़ नहीं सकते जिसके ऊपर एम में मस्त एम भी आए तो आप देखो आप छोड़ सकते हो और छोड़ोगे तो किसको बताना पर उससे पहले छोड़ने से पहले सबसे पहली बात बताओ भाई अगर स्टेज ब्रेकअप का आ रहा है तो क्या ब्रेकअप सीधे कर ले नहीं पहले डिस्कस करते हैं बात अपन ने समझाने की कोशिश की फिर भी नहीं हो पाया तो फाइनली फिर अपना विड्रॉल का डिसीजन है तो वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दो तो मैनेजमेंट डी जी से पहले बात करो प्रॉब्लम क्या है वो रिजॉल्व नहीं करे तो विड्रॉ करें अब जो विड्रॉ करेंगे ना तो आप अपनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज़ समझ लीजिएगा कि भाई ये बच्चा भी तो है इसका क्या होगा सिमिलरली अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आपको इन्फॉर्म करना पड़े विड्रॉल किसी को कुछ केस में हो सकता है आप विड्रॉ कर ही नहीं पाओ रिजाइन करने से पहले आपको अगले क्वार्टर का लिमिटेड रिव्यू करना पड़े तो ये सब समझ लीजिए फिर विड्रॉ करिए और जो भी आपने किया उसे डॉक्यूमेंट करना है क्या इश्यूज़ आए थे किससे आपने कंसल्ट किया क्या कंक्लूजन निकाले डॉक्यूमेंटेशन आजकल पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हो गया एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डॉक्यूमेंटेशन का ही पूछ लेता है क्योंकि नॉर्मली उनको मालूम है कि भैया डॉक्यूमेंटेशन कौन पड़ता है पढ़ पीलो तो कहाँ याद रहता है पर यह भी देखना पड़ेगा Nevertheless, तो so this is basically point number three, point number four. Not really very important human resource. भाई तुमने client accept कर लिया अब तुमने leader fix कर दिया ये quality manage करेगा ethical requirement देख ली फिर audit accept कर लिया अब काम करने के लिए लोग चाहिए तो पहले लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाओ ताकि अपने आप अच्छे लोगों पॉलिसी किस बारे में बताना कहाँ से लोग लाओगे उनके काम को कैसे evaluate करोगे किस किस capability के लोग आपको चाहिए क्या कंपनसेशन आपको उनको देना पड़ेगा उनकी कॉम्पिटेंस केपेबिलिटी कॉम्पिटेंस क्या होना चाहिए देन यू हैव टू गिव देम गुड कॉम्पनसेशन प्रमोट देम डेवलप देयर करियर देन ओनली देर स्टेक विद यू सो एस्टिमेट देयर एच आर नीड्स तो आपकी पॉलिसी इन सब चीज़ों को कवर करने वाली होना चाहिए दोस्तों ये जो प्लस के साइन दिए हुए हैं इसका मतलब होता है कि ये टॉपिक आपके आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है परंतु आई ने पास्ट में इन एसेस पर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस या तो एम टी पी एग्जाम में पूछे

एंड डिसाइड द रोल्स ऑफ आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज कम्युनिकेटेड टू क्लाइंट एंड मैनेजमेंट तो आपको क्लाइंट को भी बताना है कि ये हमारे ऑडिट का मुखिया है एक से ज़्यादा भी हो सकता है बंदा वो जो केपेबल और कॉम्पिटेंट हो सी, सी सी सारे आपको नमोलेज सॉरी ये शॉर्ट फॉर्म जितने भी यूज किए ना इन सब के आपको लेजेंड्स नीचे मिल जाएंगे तो कॉम्पिटेंट और केपेबल होना चाहिए अथॉरिटी होना चाहिए और समय होना चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड और उसे कम्युनिकेटेड हो फिर आ जाओ टीम पर अब भैया टीम कैसी होना चाहिए सबसे पहले आपको टीम बढ़िया होना चाहिए पर टीम कैसा है ना टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कैसी टीम है उस पर डिपेंड करेगा आपको उस पर कितना ध्यान देना है तो द तो तो लेवल ऑफ सुपरविजन विच यू हैव टू तो पुट ऑन योर टीम इज डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर्स वी हैव टू फर्स्ट असाइन अ टीम एंड ऑल्सो देन डिसाइड सुपरविजन लेवल छह मुद्दे हैं जो लेवल ऑफ सुपरविजन को डिफाइन करेंगे भैया कितना सुपरवाइज करना पड़ेगा टीम को यह डिपेंड करेगा कि सबसे पहली बात जो हमारी टीम वो कितने अच्छे से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जैसे इसको समझती है लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझती है वो कितने अच्छे से हमारी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को समझती है उनका कितना अच्छा पुराना अनुभव है उनका स्टैंडर्ड्स आईटी टेक्निकल नॉलेज ये सब कितना सॉलिड है उनको इंडस्ट्री का कितना अच्छा नॉलेज है और वो प्रोफेशनल जजमेंट कितना लगा सकते हैं तो कॉमन सेंस से भी आप छः पॉइंट लिख पाएंगे आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि किस इसका नॉलेज होना चाहिए स्टैंडर्ड्स क्यूसीपी पी ऑफ द फॉर्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरल टेक्निकल एक्सपर्टीज आई टी इन सब चीजों की होना चाहिए साथ ही साथ में दे शुड हैव नॉलेज इन फैक्ट एक्सपीरियंसड होने चाहिए यानी प्रोफेशनल जजमेंट लगाने का काम होना चाहिए और सिमिलर एंगेजमेंट की जाना चाहिए ये फैक्टर्स याद रखना कब जब क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सुपरविजन रिक्वायर्ड ऑन द टीम में चलिए अब टीम भी असाइन हो गई ये मुखिया है और ये इसके लोग हैं ये जाके काम करेंगे तो अगला मुद्दा है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जब होगी तो यू नीड टू हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच ऑप्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द टीम इज एबल टू कम्प्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट एंड द पार्टनर फाइनली इशूज द रिपोर्ट अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टैंड यानी कि काम ऐसा हो दैट इट इज एबल टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस क्यू सी ये कैसे होगा तो इन कंसिस्टेंसी इन क्वालिटीज़ अचीव थ्रू एड्रेसिंग मैटर्स रिलेटिंग टू दीज थिंग्स और ये सब ऐसे टू ट्वेंटी में डिस्कस करेंगे तो हमें टीम को क्या बताना है स्टैंडर्ड फॉलो करो उनका सुपरविजन करना है क्यूसी पी पी भी अपडेटेड रखनी है उनके वर्क को रिव्यू करना है और उनके डॉक्यूमेंटेड वर्क को चेक करना है और डॉक्यूमेंट भी कराना है ये सब टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी में डिस्कस करेंगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपकी टीम के पास ज्ञान ना हो ऐसे मुद्दों पे आप कंसल्ट कर सकते हो ये अकाउंटिंग मैटर भी हो सकते हैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ एक्सपर्ट नॉन अकाउंटिंग और ऑडिट मैटर पे होता है कई बार होता है ना बैंक ऑडिट करने का और आपको कोई चीज़ पे आरबीआई का कोई रीसेंट सर्कुलर आया ऐसा बैंक बोल रही है हमें नॉलेज नहीं है तो हमने क्या किया हमारी कोई दूसरी टीम दूसरी बैंक का ब्रांच का ऑडिट कर रही है तो उसको फोन लगा पूछ लिया कि यार ये कोई ऐसा सर्कुलर है या है तुम्हारे नोटिस में है क्या तो कंसल्टे ऐसे लिया जा सकता है वो आपको कंसल्ट करके दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडिट का ये फीचर है कंसल्टेशन कुड भी विद इन द फॉर्म इट कुड भी आउटसाइड द फॉर्म इट कुड कु ऑन स्पेशल मैटर इट कुड भी ऑन अकाउंटिंग मैटर कंटेंशियस मैटर का मतलब क्या होता है जो थोड़े से डिबेटेबल डाउटफुल क्लियर कट नहीं है एम बिग वैसे जजमेंटल मैटर कंसल्टेशन के लिए क्या जरूरी है हम एडवाइस ले रहे हैं बेसिकली दूसरी फॉर्म या कोई प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी इंटरनल सोर्स अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो अपन हो सकता है आईसीआई की एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी से भी कंसल्ट कर ले पैसे लगते तीस पचास हजार रुपए एक इंक्वायरी के वो लेते हैं और जवाब भी देते हैं क्योंकि स्टूडेंट नहीं है ना मेम्बर पूछता है स्टूडेंट पूछे तो ये लोग कोई जवाब नहीं देते जो सुन रहा है ना इसको ये वाले टाइम को टैग करना नीचे डॉक्यूमेंटेशन ऐसा सुन रहे नहीं करेंगे हाँ ठीक है भाई मत कर चलो डॉक्यूमेंटेशन में क्या है इशू ऑन विच कंसल्टेशन इज सॉट रिजल्ट ऑन ऑन कंसल्टेशन डिसीजन टेकन द बेसिस हाउ दे वर कंसल्टेड तो कंसल्टेशन में आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए वॉट इज इंपॉर्टेंट इज अगर आपको आता है कि आपके क्वालिटी पॉलिसी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर में कंसल्टेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए चीज़ चार पहले जहाँ जहां जरूरी है हमारी टीम अप्रोप्रिएट ले लेने के लिए हमारे पास सफिशेंट रिसोर्स हमें पहले से पता है किन से कंसल्ट किया जा सकता है जिनसे भी कंसल्ट करो पहले नेचर और स्कोप ऑफ कंसल्टेशन डिसाइड कर लो ताकि उनको प्रमाणली पता हो कि हम क्या पूछ रहे हैं और फिर जो भी कंक्लूजन आए उसे डॉक्यूमेंट करो और इम्प्लीमेंट करो अगर आपने अग्री किया है तो दिस इज ऑल अबाउट कंसल्टेशन चलिए अब यार ऑडिट है तो पंगे तो होंगे ही कई बार दो लोगों के बीच में मतभेद होंगे ऐसा नहीं है कि दो तो महिलाओं के बीच ही हो सकते हैं डोंट फील अदरवाइज ऐसा नहीं है ये ऐसे ही डल गया है हो सकता है दो लड़के भी हो बट आई थिंक ये याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा तो वही तो अगर कभी दो मैटर्स के बीच में कंसल्टेशन में डिफरेंस हो जाए तो क्या करेंगे बहुत सिंपल तरीका याद रखने का भाई देखो इन दोनों के बीच में अगर बंगे हो गए तो आप क्या करोगे आप किसी एक को समझाइश मत देना तू ऐसा कर तू गलत कर रही है इससे भूल के भी मत करना और झगड़े पड़ जाएंगे तो इस भी इसे समझता है और वो क्या बोलता है कंसल्टेशन में पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल में डिसाइडेड होना चाहिए कि कंसल्ट सॉरी कंसल्टेशन बोला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो मैनुअल में पहले से लिखा होना चाहिए कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजोल्व किया जाएगा और इंश्योर करें कि जब तक वो रिजोल्व ना हो तब तक ओपिनियन ना जाए यानी एसक्यूजी भी यानी बताता है क्या करना है वो बोलता है आपके प्रोसीजर मैनुअल में आप डिसाइड करो कि कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजोल्व करेंगे और जब तक वैसे आप रिजोल्व ना करो तब तक आप और रिपोर्ट नहीं दोगे खत्म वो रियल लाइफ एग्जाम्पल है कैसे हो सकता है कि भैया हमने बोल दिया सीनियर डिसाइड करेगा डॉक्यूमेंट करेगा पर ये कुछ नहीं बोलता तो है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंस टू बी डेल्ट विथ किसके बीच डिफरेंस हो सकते हैं दो टीम मेंबर के बीच में एंगेजमेंट पार्टनर्स के बीच में जिनसे कंसल्ट किया उनके साथ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू और इनमें से किसी के साथ भी हो सकते हैं तो जो भी कंक्लूजन आपने रीच किया उसे डॉक्यूमेंट इंप्लीमेंट करें रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करोगे तो जब तक मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसके ऊपर देख लो आप छोटी सी चीज़ पे दो क्वेश्चन और इन सब के बाद आते हैं अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वॉट इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू दोस्तों एक चीज समझो कि कोई बहुत ही टफ टेक्निकल मैटर है तो ऐसे मैटर्स में फिर क्या होता है ना कई बार आप देखोगे तो आप यूँ सोचो कि आप उसको अपने दिल की बात लिखने जा रहे हो एक व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा क्योंकि आप फेस टू फेस में बात नहीं कर पा रहे हो आपने मैसेज ड्राफ्ट किया पर आपको डर लग रहा है कि यार क्या मैंने सही लिखा है क्या आप ऐसे ही भेज दोगे या रिव्यू करोगे रिव्यू करोगे आप कितनी बार भी पढ़ रहे हो पर आपको कॉन्फिडेंस शायद नहीं आएगा क्योंकि मैटर बहुत रिस्की है हो तो सकता है आपका कोई एक दोस्त हो जो दो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जिसको बहुतों ने मना और हाँ किया अपन उससे रिव्यू करा सकते तो वो दोस्त आया ही जब मैं ये ड्राफ्ट कर रहा था मेरे रूम में और बोले क्या कर रहा है मैंने बोला उसको मैसेज लिख रहा हूं क्या बात कर रहा है स्वीटी को मैसेज फाइनली आ गया तेरे में इतना करेज हमने बोला हाँ यार भाई आ गया हमारे पास करेज एकदम भयंकर वाला तब तो लिखना है उसने बोला लिख लिया क्या हमने बोला हाँ उसको दिखाया हमने उसने देखा उसने पढ़ा उसने बोला अभी क्या कर रहा है क्या लिखा है तूने पढ़ के ऐसा लग रहा है भीख मांग रहा है है बी अ मैन स्पाइन क्या लिखा यार तो क्या होता है दोस्तों जब अपन किसी एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड व्यक्ति से अपने ऑडिट को रिव्यू करा लेते हैं तो हो सकता है कि कई चीजें हम ऑडिट में डूब गए हो नहीं देख पा रहे हो वो उसे देख के हमें बता दे कि भाई ये मिस हो गया ये नहीं हुआ ये और देख लो तो ऐसा सारे ऑडिट में करेंगे यार अरे यार बहुत मुश्किल हो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि अपन सबको मैसेज लिखते हैं तो थोड़ी ना किसी और से रिव्यू कराते इंपॉर्टेंट लिस्टेड एंटिटी टाइप के ऑडिट में क्या है देखिए <coughs> ये प्लस साइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिसी और प्रोसीजर बनाइए जिसमें लिखिए कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कम से कम लिस्टेड एंटिटी के ऑडिट में तो होना ही चाहिए और दूसरे एंगेजमेंट्स में अगर आपने क्राइटेरिया सेट करना चाहिए जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि किस में आपको और ये रिव्यू कराना है ये क्राइटेरिया किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड हो सकता है वापस वही नेचर लॉ रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट सर्कमस्टानसेज हो सकते हैं कुछ केस में करवाने की रिक्वायरमेंट डाले जब कोई ऑडिट क्लाइंट के ऊपर बहुत फ्रॉड के नोटिसेज है वगैरह तब तो आप चाह सकते हो कि भैया बाईजूस को ऑडिट वीडियो को मिला उसने बोला हमें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करें आपकी पॉलिसी प्रोसीजर में डिफाइंड होना चाहिए कि नेचर टाइमिंग एक्सटेंड रिव्यू का कौन होगा क्या होगा रिव्यूअर कौन आदमी होगा कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा चलो कोई बास बात नहीं अब आते हैं पॉलिसी और प्रोसीजर में इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कैसे होता है तो एक होता सिंपल सा है कि अपनी फॉर्म का एक पार्टनर अपने काम का रिव्यू करवाता है फॉर्म के ही किसी दूसरे सूटेबली क्वालिफाइड सीनियर व्यक्ति से यह व्यक्ति जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करता है ये सीनियर पार्टनर ही होगा डेफिनेटली सीए होगा और इसको एक्सपीरियंस होगा इस तरह के असाइनमेंट का ये रिव्यू करते समय किन चीज़ों का ख्याल रखेगा ये बेसिकली कोई सारे वर्किंग पेपर सब कुछ डिटेल में चेक नहीं करेगा बेसिकली डिस्कशंस करेगा चाहे तो वर्किंग पेपर देख सकता है कुछ चीज़ों पे इसे फोकस करना है तो मोस्टली ई विल डू अ डिस्कशन ही कैन रिव्यू सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड ही कैन सी सिलेक्टेड वर्किंग पेपर कितना डिटेल में जाना है वो डिपेंड करेगा रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इसलिए नहीं करा रहे ताकि मेरी जिम्मेदारी किसी और के सर पे चले जाए इसलिए ताकि मैं और बेहतर ऑडिट कर सकूँ कुछ मिस हो रहा है तो देख सकूँ पर मेरी ऑडिट की ज़िम्मेदारी मेरी है रिव्यूअर की जिम्मेदारी रिव्यू की ऑडिट की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोनों जिम्मेदार नॉर्मली रिव्यू क्या करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आठ चीज़ें हैं इसके लिए आपको निमोनिक अगर चाहिए तो वो लिख लीजिए मिस्टर जे हु फील्स जे मिस्टर जे और ये मिस्टर जे बहुत जगह आएगा की ऑडिट मैटर का भी निमोनिक तीन चीजें दोस्तों तो लाइफ में आपके ऑडिटर के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है एम स्टेटमेंट जहां मिले मटीरियल एरिया यानी मटीरियल में स्टेटमेंट आर जहां रिस्क बहुत ज्यादा है और जे जहां जजमेंट लग रहे <coughs> प्लस सी आई डी रिव्यूअर क्या करता है तो एम आर जी पहले बता देता हूं मैं आपको जहां भी उसको सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज मिल रहे हैं जहां मटीरियल जजमेंट या सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज पे जजमेंट्स लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जहाँ पर भी उसे मिस्टेटमेंट्स पता पड़ रहे हैं करेक्ट हुए नहीं हुए ये चीज़ तो रिव्यूअर रिव्यू review करेगा क्योंकि ये तो कितनी इंपॉर्टेंट है फिर सी आई डी सी आई डी इज इंडिपेंडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स ये उसे चेक करना है तो आई इंडिपेंडेंस सी कंसल्टेशन एंड डी वर्किंग पेपर्स डॉक्यूमेंट्री सारे सिलेक्टिव भी कर सकते हैं और इन सब के अलावा क्या करना है आपको क्रेडिट सी आर इच इज कंसल्ट सॉरी कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग तो फाइनली रिपोर्ट आता है तो आपको जो जो मैटर कम्युनिकेट मैनेजमेंट टी सी डब्ल्यू जी या रेगुलेटरी बॉडी को ऑडिटर को करने थे वो सब ये एक बार रिव्यू कर ले जो एज पर स्टैंडर्ड या लॉ करने जैसे फ्रॉड कम्युनिकेट करने थे मैनेजमेंट को ऑडिट कमेटी को है उसको तो वो डेफिनेटली रिव्यू करना है और फाइनली जो रिपोर्ट आपने बनाई है वो तो आप एक बार रिव्यू करोगे ये आठ मुद्दे हैं जो एस क्यू सी वन में दिएगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को अपने रिव्यू में कवर करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट अरे रिव्यूअर होगा कौन बंदा टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये बनती ऑडिट से अनरिलेटेड होना चाहिए यानी उस ऑडिट में आपने उससे कोई काम नहीं करवाया एंगेजमेंट पार्टनर जो उस ऑडिट का है वो रिव्यू नहीं कर सकता तो यू हैव टू मेंटेन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर्स ऑब्जेक्टिविटी कैसे सबसे पहली चीज़ जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो सिलेक्ट नहीं करेगा रिव्यूअर को दूसरा उसका एंगेजमेंट में कोई सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन नहीं है उसने टीम से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लिया यानी उस ऑडिट से उसका कोई लेना कोई लेना देना ही नहीं नहीं भी ऐसी दूसरी चीज है जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी थ्रेटन करे तो सवाल यह है सर कि क्या एंगेजमेंट पार्टनर <laughs> पूरे ऑडिट में कभी भी रिव्यूअर से कुछ भी कंसल्ट नहीं कर सकता भाई करना है तो करो पर उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना और अगर प्रोपराइटरशिप फॉर्म में अगर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराना है तो आप थर्ड पार्टी एक्सटर्नल पार्टी से भी कर सकते हैं ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिविटी थ्रेटर नहीं होना चाहिए और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए रिव्यूअर में और एंगेजमेंट पार्टनर में तो हमने डिस्कस कर लिया है क्या करना देन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिव्यू करना जरूरी है क्या क्या प्रोसीजर रिव्यू में अपन ने क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने लगाए वो डॉक्यूमेंट करें इंश्योर करें रिपोर्ट तब तक इशू नहीं हो जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ इस पर भी एक क्वेश्चन है रिव्यूअर शुड नॉट बी अवेयर अबाउट अनरिजॉल्व मैटर जिससे उसे लग रहा है कि जजमेंट या कंक्लूजन अप्रोप्रिएट नहीं है अगर ऐसा है तो वो साफ साफ लिख देगा कि भाई आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर ऑडिट अभी ये रिपोर्ट इशू करने की स्टेज पे नहीं एंड देन कमिंग ऑन टू डॉक्यूमेंटेशन एस कहता है कि आपको सबसे पहली बात ऑडिट खत्म होने के साठ दिन के अंदर अंदर वर्किंग पेपर फाइल असेंबल करना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है इसमें सिर्फ सॉर्टिंग डिलीटिंग अनरिक्वायर्ड पेपर इंडेक्सिंग ये सब करना है अगर आप स्कैन करके रखना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है स्कैन डॉक्यूमेंटेशन में पूरा कंटेंट स्कैन होना चाहिए इंक्लूडिंग उसके मैनुअल सिग्नेचर्स अगर कहीं पर हैं तो एनोटेशंस आपने कोई वर्किंग पेपर फाइल में अपने वर्किंग पेपर्स में किए हैं सब कुछ देन सारी स्कैंड कॉपी प्रॉपरली इंटीग्रेट करके इंडेक्स करो ताकि आपको समझ में आए ऐसा नहीं हो कि हज़ार पन्ने स्कैन करके एज इट इज डाल दिए फोल्डर बना के अलग अलग इंडेक्स देके प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लस ये सारी रिट्रीव और प्रिंट करने की स्थिति में होना चाहिए जब ज़रूरत पड़े तो देन पॉलिसी और प्रोसीजर बनाई है कि कैसे आपकी डॉक्यूमेंट वर्किंग पेपर फाइल्स कैसे कॉन्फिडेंशियली रहेगी ताकि कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाए जब तक ऑथराइज नहीं हो सेफ रहेगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा ज़रूरत पड़ने पे कैसे रिट्रीव किया जा सकता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन है तो उसका पासवर्ड बैकअप कैसे रखेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्सेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब रिस्ट्रिक्ट करेंगे सबकी पॉलिसी ध्यान रखना दोस्तों आपके प्रोसीजर्स ये क्यों बनाना जरूरी क्योंकि वर्किंग पेपर फाइल में ही बाद में चेंज हो गया और फिर कोई इंक्वायरी हुई और आपने बोला अरे बाप रे वर्किंग पेपर कहा गया तो ये गलत है तो इसके लिए कहा गया है कि आपको साफ साफ ध्यान रखना है कि क्रिएट किसने किया है चेंज हुआ है तो किसने किया है चेंज को किसने रिव्यू किया है सब कुछ आपके पास डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए यू शुड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल योर वर्किंग पेपर सो दैट इट इज़ नॉट चेंजिंग विदाउट परमिशन एंड ओनली टीम और पीपल हु आर हुई शुड बी गिवन एक्सेस टू इट कौन लोग ऑथराइज हो सकते हैं वर्किंग पेपर देखने के लिए जैसे कि नेक्स्ट ईयर की ऑडिट टीम को दिए जा सकते हैं पिछले साल के वर्किंग पेपर तो इस तरह से ऑथराइज लोगों को ही एक्सेस दिया जाए कितने समय तक रखना है आप अपनी पॉलिसी बनाए बट मिनिमम सात साल तक रखना है ऐसा एक्सक्यूसी वन क्या है और रिट्रीव होना चाहिए ऑथराइज एक्सटर्नल पार्टी ज़रूरत पड़ने पर उसे एक्सेस कर पाए ऐसी आपको अवेलेबिलिटी बना के देना पड़ेगा चेंजेस हुए तो वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे सात साल फ्रॉम द ईयर ऑफ ऑडिट आपको रखना है मिनिमम ध्यान रखना कि आप खुद ओनर हैं ये तो आपको क्लियर ही है पर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओनरशिप ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन का तो याद रखना इसका आंसर एसक्यू सी वन से दिया जाए मुज ओनर ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन दी ओनर, ओनर इज बेसिकली द ऑडिटर तो ऑडिट खत्म होने के बाद भी हमारी प्रॉपर्टी हमारी इच्छा है तो हम किसी को इसका एक्सट्रैक्ट बनाने की परमिशन देंगे नहीं देना है तो नहीं देंगे लॉ डिमांड करता है तो हमें देना पड़ता है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यू सी अब आते हैं मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन पे ये आपका फिफ्थ पॉइंट है तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया तो काफ़ी बड़ा है ये स्टैंडर्ड और अच्छा कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू कर रहे हैं अपन मजा आ रहा है बढ़िया लग रहा है सिक्स पॉइंट इन फैक्ट क्योंकि एक तरह से डिटेल में ही अपना रिव्यू डिस्कशन हो गया क्यों क्योंकि ये रिलेटेबल इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा और ज़्यादा बहराई में चले गए अपन इसका सेकेंड पार्ट रिविजन का रख लेंगे जिसमें बच्चे हुए टॉपिक्स क्विकली कवर कर लेंगे विच यू इज नॉट गोइंग टू टेक टाइम देखते हैं अपन अब आते हैं मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन पर यह क्या है भाई देखो कितने भी आप ट्रैफिक रूल्स बना लो चौकीदार लगवा दो वॉचमैन वहां पे खड़े कर दो I आई मीन mean, ट्रैफिक पुलिस पर कैमरे तो चाहिए क्योंकि भारतीय पहले सिग्नल नहीं देखता पहले देखता है कैमरे है या नहीं है और ठल्ला घड़ा है कि नहीं हवलदार चौकीदार या वॉचमैन फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि सिग्नल पे रुकना है या नहीं नहीं तो कम भीड़ होती है तो पर निकल लेते तो आजकल कम भीड़ भारत में कहीं मिलती नहीं है वो अलग बात है तो मॉनिटरिंग इज लाइक पुटिंग अप सीसीटीवी सी बेसिकली नथिंग ऐसा नहीं है रियल कैमरा लगाने इसका मतलब यह है कि हमें मॉनिटर करना कि हमने जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स मैनुअल बनाए भाई ये सब फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पीपल आर कंप्लाइंग विद दीज और नॉट दैट इज बेसिकली वट वी आर चेकिंग वट यू हैव टू डू इज वी हैव टू क्रिएट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू गेट अ रीजनेबल एश्योरेंस डेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर अप टू डेट एडिकुएट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड कम्पलाइड विद इन प्रैक्टिस अब इसमें सिर्फ दो चीज ध्यान हो मॉनिटरिंग तुम्हें दो चीजों की करना है पहला तुम्हारी फर्म के जितने भी स्टाफ या पार्टनर्स हैं वो तुम्हारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं दूसरा तुम्हारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर भी अपने आप में अपडेटेड है आउटडेटेड नहीं है रेलिवेंट है इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।, है तो वो भी चेंज होना चाहिए तो यू शुड मॉनिटर बोथ योर सिस्टम एज वेल एज कम्प्लायंस विद द सिस्टम तो क्या देखना है कि पॉलिसी और प्रोसीजर अपने आप में रेलिवेंट है इफेक्टिवली फॉलो किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा एडिक्वेट है कंप्लाई हो रहे है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऑनगोइंग गोइंग कंसिडर करना है इवेल्यूट करना है आपको कि हमारी जितने असाइनमेंट कंप्लीट हो रहे हैं उसमें इसका पालन हो रहा है हालांकि ये पॉइंट दिया हुआ नहीं है आपके मॉड्यूल में बट बड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली मॉनिटरिंग का क्या पर्पज़ होता है ये आपको आगे देखने को भी मिलेगा क्या पर्पज है मॉनिटरिंग का भाई देखो कोई भी एंगेजमेंट में आप कब बोलोगे अच्छी क्वालिटी से काम हो गया है जब सबसे पहले आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल की सेकंड जो भी हमारे कंट्रोल्स हमने डिजाइन किए हैं वो सही डिजाइन किए हैं और इम्प्लीमेंट भी हुए प्लस इम्प्लीमेंट होने के बाद में क्या फॉर्म ने अपने सारे ऑडिट सारी एंगेजमेंट्स में उसे अप्लाई किया है जैसे अपन इंटरनल कंट्रोल में नहीं पड़ते कंट्रोल छुट भी प्रॉपरली डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन मेंटेनड ये अपन चेक कर रहे हैं तो मेंटेनेंस में ये देखेंगे कि डिज़ाइन प्रॉपर है इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है प्लस अपन ये भी देखेंगे दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली यानी अप्लाई किए जा रहे हैं तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या अफेक्ट करते हैं मॉनिटरिंग को इनफैक्ट सही मायने में ये फैक्टर्स मॉनिटरिंग की जगह मॉनिटरिंग का स्कोप है मॉनिटरिंग में क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करोगे तो सबसे पहले अपन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं उसको रेड में करते हैं क्या सिस्टम का डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव है क्या हमारे सिस्टम अप टू डेट है नई चीज़ें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी रीगल रिक्वायरमेंट उसमें अपडेटेड है क्या हमारे सिस्टम में कौन लोग मॉनिटर करेंगे ये डिफाइंड है पार्टनर वगैरह सब प्री डिसाइडेड है प्लस इनकेस अगर हमारे लोग की कंप्लेन आ रही है कि आर्टिकल काम नहीं कर रहा ढंग से पार्टनर मिला हुआ है काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसे डील किया जा रहा है ये भी मॉनिटरिंग का पार्ट है ये एम्प्लॉई लेवल पे हो गया स्टाफ लेवल पे हो गया ऑब्वियस सी बात है हमें एक्शन लेना पड़ेंगे अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है या क्वालिटी फॉलो नहीं कर रहा है तो एक्शन दो केस में लेना होते हैं जब लोग कंप्लाई नहीं करते हैं या फिर हमारी को लगता है कि हमारी डिजाइन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में ही डेफिशिय तो ये स्कोप है मॉनिटरिंग का ये सारी चीज़ें चेक की जाती है मॉनिटरिंग का ही एक पार्ट होता है इंस्पेक्शन इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है पर इसका मतलब क्या होता है एसक्यूसी कहता है कि तीन साल में एक बार हाबकी सी एफ ऑर्म में जितने पार्टनर है जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं या जो भी एंटिटी आपने डिफेंड किया उनका आप तीन साल में एक बार कम से कम खुद ही होके उनके पास्ट ऑडिट असाइनमेंट्स को चेक करके देखो कि क्या उन्होंने काम एज पर क्यूसीपीपी किया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट किया या नहीं उनकी एक या एक से ज्यादा असाइनमेंट कितनी चेक करना है वो डिपेंड करेगा कि वो कितने क्रिटिकल असाइनमेंट कर रहे हैं कितने सीनियर है उन सब चीज़ों पर करो और गड़बड़ है तो उससे देखो कि कैसे सुधारा जा सकता है उनको ट्रेन करो समझाओ लगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन तो कितने समय में करना है ये आप डिसाइड करोगे तीन साल में एक बार तो करना ही है तो साइज ऑफ द फॉर्म कितनी उसकी लोकेशंस है तो ये सब फॉर्म रिलेटेड पॉइंट है कि भैया फॉर्म की साइज कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉज कितने लोकेशंस पे हमारी फर्म काम कर रही है हमारी फर्म के अंदर क्लाइंट्स कैसे हैं कितने रिस्की क्लाइंट्स हैं हमारी जो फर्म है उसकी वर्किंग की कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क इस पर आप डिसाइड करो प्लस इसके अलावा आप ये भी देखो कि पास्ट में आपने मॉनिटरिंग करी होगी तो क्या रिजल्ट आए आपने अपने एम्प्लॉज को पार्टनर्स को कितनी अथॉरिटी दे रखी है अगर बहुत ज़्यादा डेलीगेशन है तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तो इससे डिसाइड करो और फिर डेफिशंसीज आए तो आपको ये सब करना है नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट अब मॉनिटरिंग में भी डॉक्यूमेंटेशन है डॉक्यूमेंटेशन अदरवाइज काम का होता है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है आपको सबसे पहले प्रोसीजर्स की आपने किस किस के कौन कौन से पार्टनर की कौन कौन से असाइनमेंट इंस्पेक्ट किए क्या उन्होंने स्टैंडर्ड फॉलो किए और सिस्टम फॉलो किए इम्प्लीमेंट किए अप्लाई किया उन्हें और क्या डेफिशिएंसी मिली और क्या एक्शन आगे लेने तो दिस इज बेसिकली मॉनिटरिंग विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन नेक्स्ट कभी किसी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया तो क्या करें तो देखो सबसे पहली बात आरोप कौन लगा सकता है कॉम के एम्प्लॉय पार्टनर पे सीनियर्स पे फॉर्म कोई ऑडिट पे थर्ड पार्टी अपने क्लाइंट लगा सकते हैं हम पर हमारे स्टाफ पे ही नहीं हमारे क्यूसीपीपी पॉलिसी प्रोसीजर पे भी कोई आरोप लगा सकता है कि आपकी पॉलिसी डन की नहीं तो सबसे पहली बात अगर क्वेश्चन आता है कंप्लेन एंड एलिगेशन का जो एक बार एग्जाम में भी आ चुका है पॉलिसी और प्रोसीजर बनाओ कंप्लेन और एलिगेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन बाय द फॉर्म फेलिंग टू कंप्लाई विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट इसकी पॉलिसी बनाई ध्यान रखो ये कहाँ से आ सकती है अंदर से फर्म के या बाहर से एम्प्लॉय कर सकते हैं क्लाइंट या थर्ड पार्टी कर सकती है हो सकता है टीम को मिले हो सकता है डायरेक्टली फर्म के एम्प्लॉज को मिले या फर्म को मिले तो सबसे पहले आप चैनल डिफाइन करो कि कोई भी फर्म के व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम है या उसे मिलती है तो वो सही जगह उसे पहुंचा सके और एक बार आपके पास कंप्लेन आ गई तो इन्वेस्टिगेट करो कैसे पॉलिसी बना <laughs> तो ये कुछ भी नहीं बताते कि बोलते हैं आप पॉलिसी बनाओ कि आप कंप्लेन कैसे इन्वेस्टिगेट करो बस ये ज़रूर है कि जो भी आपकी पॉलिसी है उसमें एक सीनियर पार्टनर के द्वारा वो सुपरवाइज होना चाहिए ज़रूरत पड़े तो लीगल एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व कर सकते कई बार स्मॉल फॉर्म में ये सब पॉसिबल नहीं होगा तो आप एक्सटर्नल लोगों की भी मदद ले सकते हो कि भैया हमारी कंप्लेन यहाँ पे वैल्यूएट होंगी ताकि इससे क्या होगा एक और इंडिपेंडेंट और अच्छा फंक्शन बन पाएगा हालांकि कौन करेगा ऐसा और अगर डेफिशिएंसी है तो एक्शन लो जैसे कि उन लोगों के अगेंस्ट तो देखो एसक्यू में इतना समय लग गया है पर इससे अपन ने क्या किया है बहुत सारे 220 के भी मैटर यहाँ पे कवर हो गए तो 220 हंड्रेड एंड ट्वेंटी क्विकली मैं आपको कवर ही करा देता हूँ इज ए टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सुपर टिप दोस्त एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर एसक्यूसी वन से बनते डाउट में हो तो दोनों लिख देना टू ट्वेंटी तब यूज करना जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन बोले आंसर इस पर ऐसे टू ट्वेंटी या एकदम पढ़ के साफ समझ में आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक ऑडिट में किसी एंगेजमेंट पार्टनर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है अदरवाइज एस से ही ज्यादातर आंसर बनते हैं सही मायने में इन दोनों में क्या फर्क है डिफ्रेंसिएशन भी दिया हुआ है आपके मॉड्यूल एसक्यूसी वन पूरी फॉर्म पर लगता है ये सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे लगता है सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर पे जबकि इसमें सी ओ मैनेजिंग पार्टनर की भी जिम्मेदारी है ऑडिट के या कोई भी एंगेजमेंट के मुखिया की भी जिम्मेदारी ये ऑडिट रिव्यू अदर एश्योरेंस रिलेटेड सर्विस पे लगता है टू ट्वेंटी स्पेसिफिक ऑडिट के लिए यह डील करता है क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम्स पूरी फर्म के लिए पर यह डील करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीस पॉलिसीज प्रोसीजर्स एट ऑडिट लेवल इसलिए आप बोल सकते हो दोस्तों कि एस क्यू सी वन सॉरी नॉन विच इज इनडिसबल बिना एसक्यूसी वन के एस टू ट्वेंटी का कोई काम नहीं है आप यू समझ लीजिए एसक्यूसी वन इज अ पॉलिसी मेकिंग स्टैंडर्ड एस ए टू ट्वेंटी इज एन इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड विच आज क्यू टू इंप्लीमेंटेड ऑब्जेक्टिव यहां पर भी किया है टू हैव क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर इंप्लीमेंटेड इट्स एन इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड टू ऑपटेन रीजनबल इश्योर इन दैट ऑडिट इज कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट इश्यू इज अप्रोप्रिएट रोल क्या है भैया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल का कि भैया हम उसे फॉलो करें प्रोसीजर्स डिसाइड करें क्या फॉर्म के एम्प्लॉज के लिए मैंडेटरी है फॉलो करना हमारी कंपनी के एसक्यूसी में जो पॉलिसी बनाई गई है यूजली वो लोग उसे फॉलो कर सकते हैं यानी कि दे हैव द प्रिजन टू रिलाई ऑन द फॉर्म डिसाइडेड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑल दिस मैटर्स डेफिनेशन कहाँ पर कोई रेलिवेंट है तो देख लेंगे पर आईसीआई के मॉड्यूल में कुछ भी नहीं दी गई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो भैया बताओ ऑडिट में किसकी जिम्मेदारी होगी उस ऑडिट का मुखिया जो होगा एंगेजमेंट पार्टनर उसी की क्वालिटी की जिम्मेदारी होगी उसे इंश्योर करना है रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करें फॉर्म की क्यूसी पी फॉलो हो रिपोर्ट इश्यूड अप्रोप्रिएट इन सरकमस्ट हो कोई कंप्लेन एलिगेशन हो तो वो उसे रेस कर सके उसे ध्यान रखना है क्वालिटी इज असेंशियल इंडिस्पेंसिबल इन ऑल असाइनमेंट उसे एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है थ्रेट्स पता करना है अगर हो तो इन्फॉर्म करना है इंडिपेंडेंस फॉर्म नेटवर्क फॉर्म और एम्प्लॉयज सबको ध्यान रखनी है और इन केस अगर उससे कोई ब्रीच इवेल्यूएट पता पड़ता है तो अप्रोप्रिएट एक्शन दे नहीं ये शॉर्ट में दिया हुआ है जो अपन ने वहाँ डिटेल में देखा कौन से क्लाइंट एक्सेप्ट करना है एस क्यू सी वन में पढ़ा था सेम यहाँ पे दिया हुआ है तो अगर क्वेश्चन आता है तो सेम ही लिखेंगे वही तीन पॉइंट अपने इंटीग्रिटी क्लाइंट की देखना है एक्जेट केपेबिलिटी कॉम्पिटेंस टाइम रिसोर्स अपने और एथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस फुलफिल कर पाएंगे चौथा अगर पास एक्सपीरियंस है उसके साथ तो वो भी देख लेंगे टीम कैसी बनाऊं जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर सके रिपोर्ट अप्रोप्रेट इन सरकमस्टैंस दे सके टीम में कुछ लोग नहीं हो तो उसके लिए कंसल्टेशन या एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या क्या चीजें होती है ये आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते थे और सरप्राइजिंगली इसके ऊपर पहले तो बहुत क्वेश्चन थे पर अब ये पूरा ही आई के मॉड्यूल से उड़ा दिया गया भैया अपन कोई भी टीम को ऑडिट पे भेजते हैं तो सबसे पहले उसे डायरेक्ट करते हैं डायरेक्शन में अपन सात चीजें बात करते हैं क्या बताते हैं उसको कि भाई देख तुझे भेज रहे हैं ऑडिट का है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ देन वी देम कि एथिकली काम करना और अगर एक से ज्यादा पार्टनर है तो बता देते ये पार्टनर ये देखेगा ये ये देखेगा फिर उन्हें क्लाइंट के बारे में बताते हैं कि देख, तेरा जो काम है ना उस काम में दिस इज द नेचर ऑफ एंटिटीज वर्क ये प्रॉब्लम तुझे आ सकती है ये रिस्की एरियाज है प्रॉब्लम यानी क्लाइंट यहाँ डेटा नहीं देगा तो ऐसे काम करना ये ये एरिया ध्यान से चेक करना और एक ओवरऑल अप्रोच कि भैया फटाफट कर देना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है या बहुत रिस्की है ध्यान से करना ये सब डायरेक्शन यानी जब भेजते टीम को तब जो एंगेजमेंट पार्टनर हो समझा के भेजेगा फिर समय समय पर वो आपको कॉल करेगा पूछेगा क्या चल रहा है इज ट्रैकिंग द प्रोग्रेस फिर आप बताओगे अरे सर और ना वो तो जूनियर आर्टिकल आया काम ही नहीं करता है तो हम देखेंगे यार हमने जो काम जिसको साइन कर रखा है वो कॉम्पिटेंट केपेबल है या नहीं है उस काम को करने के लिए तो कॉम्पिटेंसी की केपेबिलिटी सफिशियंट टाइम टू कैरी आउट द वर्क जैसा प्लान किया था वैसा चल रहा है या नहीं लोग समझ रहे या नहीं नहीं तो फिर हम क्या करेंगे रीअसाइन करेंगे वर्क टू अदर पीपल हम बोलेंगे चलिए मैं देखता हूँ उसके अलावा कोई गलती पकड़ में आएगी वो बोलेगा हाँ सर अब नहीं कौन फ़ोन पे बात कर रहा है जो एंगेजमेंट पार्टनर है किससे सीनियर से कि भैया क्या प्रॉब्लम है तो बोले हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है तो सिग्निफिकेंट सारे मुद्दे वो बताएगा प्लस अगर कहीं टीम को कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो पूछेगा फिर फाइनली आखिरी में रिव्यू करने के लिए अपना पार्टनर आएगा ये रिव्यू कौन सा है जब ऑडिट खत्म होता है तो पार्टनर आगे रिव्यू करता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं उसमें सात चीज़ें चेक होती सबसे पहले तो दो चीज़ें ऑब्जेक्टिव इस ऐसे के और ऑडिट के अचीव हुए या नहीं काम एज़ पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हुआ है ऐसे का ऑब्जेक्टिव और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव अच्छी हुआ है फिर फोन पे जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर बताए थे उसका क्या हुआ और जो कंसल्टेशन लिए थे वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं तो ये दो पॉइंट इसके हो गए उसके बाद अपन ये देखते हैं वर्किंग पेपर्स में उसने क्या क्या किया है और सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लिए हैं या नहीं और फिर फाइनली क्या ऑडिट कंक्लूड कर सकते हैं या और ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेंगे ये सात चीज़ें एंगेजमेंट पार्टनर के रिव्यू में आते हैं यहाँ पर भी ये ज़्यादा फोकस किस पे करेगा आप लिखने के लिए लिख सकते हो मिस्टर जे विच इज़ बेसिकली स्टेटमेंट तो देख लिया उसने जो सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज है जो जजमेंट के एरियाज हैं या कोई भी दूसरे एरियाज कंसल्टेशन अगर लिए हैं तो हमने देखना है कि वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू यहाँ पर भी दिया हुआ है एसक्यूसी वन में भी दिया हुआ एग्जाम में क्या लिखना है साइलेंट हो क्वेश्चन तो एसक्यूसी वन से आंसर देना स्पेसिफिकली दो सौ बीस से पूछे तो ये लिखना पॉइंट ओवरलैप करेंगे पर डिफरेंट एकदम सेम ही अगर कोई ऑडिट में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू चाहिए तो पहले देखो रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है उससे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करो रिपोर्ट तब तक इशू नहीं करना जब तक रिव्यू नहीं हो वो क्या क्या चीज़ों का इवेल्यूशन करेगा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड कंक्लूजन रिज्ड साथ ही साथ में जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर इंगेजमेंट पार्टनर के साथ पार्टनर ने टीम से डिस्कस किए थे वो देखेगा यानी वो रिस्की एरियाज हो गए प्लस वो ऑडिट रिपोर्ट देखेगा कंक्लूजन जो रीच किया तो आप देखो अपन ने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा था मिस्टर जे सी आई डी रिपोर्ट और कम्युनिकेशन तो यहाँ पे इसे रिपोर्ट डिस्कस करनी है जो कम्युनिकेशन है वो कंक्लूजन में कन्वर्ट हो गया वो डिस्कस करना है इसके ऊपर अलग से कोई डिस्कशन नहीं है पर हाँ सिग्निफिकेंट मैटर्स तो ये दोनों की बजाय एस कर दिया एस जे सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करेगा और जजमेंट वाले मैटर्स डिस्कस करेगा टू ट्वेंटी में ऐसे याद रख लेना मिस्टर जे की बजाय एस जे सिग्निफिकेंट मैटर्स सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड judgments स्टार्ट इन सब के अलावा एक्स्ट्रा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे भी उसके पावर था रिव्यू कर सकता था तो सी आई डी में अपन ने डॉक्यूमेंटेशन था ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया प्लस यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रिव्यू करेगा और लिस्टेड एंटिटी में वापस से यहाँ पे सी आई दिया गया है कंसल्टेशन देखना है सिलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखना और इंडिपेंडेंस देखना तो अगर दो में पूछा जाए ना तो जो अपन ने वहां पढ़ा था मिस्टर जे और RC, यहां पर आप उसमें क्या करेंगे मिस्टर जे की बजाय जे सी आई डी और आर और यहां पर कंक्लूजन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ वॉट कम्युनिकेशन रिपोर्ट यहां पे भी देखनी है एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेट बस ये ध्यान रखना सी आई डी इज ओनली फॉर लिस्टेड एंटिटीज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड नॉट ऑल रिव्यू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये लड़कियों से ही ध्यान आ जाएगा अपन ने जो डिस्कस किया था वही मुद्दा है मॉनिटरिंग क्यों करते हैं वो अपन ने देख लिया एंड देन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है ऑडिटर को और रिव्यूअर को तो रिव्यूअर अभी जो अपन ने डिस्कस किया उसने क्या प्रोसीजर्स लगाए इंश्योर करे कि बिना उसके रिव्यू के ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है वो दिखना चाहिए और जब तक कोई मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है या कंक्लूजन रीच नहीं हुए रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना है क्या इश्यूज आए क्या कंक्लूजनस लिए और कंसल्टे किन मैटर पर उसने लिए थे दिस इज योर यू ट्वेंटी नथिंग मच इसके अलावा ये तो आपने घर घर में रिव्यू कर लिया इसके अलावा सी ए फॉर्म आई सी आई भी आपका रिव्यू करा सकती है बाई सेंडिंग अ पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू पहले आपके कोर्स में पूरा एक चैप्टर होता था पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू का अब बहुत ही ब्रीफ इनपुट्स हैं क्विकली कवर कर देता हूँ तो बढ़िया हो गया हमारे एक घंटे में रिवाइज हो गया चैप्टर स्पीड में देखोगे आप तो वन पॉइंट फाइव में तो आपको चालीस मिनट में हो जाएगा नहीं सर वन पॉइंट टू फाइव ओके पीयर रिव्यू बोर्ड काउंसिल ने बनाई है जिसका परपज है बेहतर क्वालिटी करना क्या होता है पीयर रिव्यू इट इज़ एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स तो ये सी एफ एम के सिस्टम प्रोसीजर को रिव्यू करके देखते हैं सी एफ एम जिसका रिव्यू होता है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस यूनिट और जो रिव्यू करता है उसे बोलते हैं पीयर रिव्यू और बेसिकली रिव्यूअर क्या चेक करता है कि क्या प्रॉपर क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है और टी पी फॉलो किए जा रहे हैं टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स प्लस रेगुलेटरी रिक्वायर तो ये सिस्टम्स का ऑडिट होता है ऑब्जेक्टिव टी पी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं और प्रॉपर सिस्टम्स हैं ये कैसे चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन देख के रिव्यूअर आएगा आपके रिकॉर्ड्स मांगेगा पिछले तीन साल के किसका रिव्यू होता है ये सब आपके कोर्स बैठ गया तो बात नहीं कर रहे रेगुलर में फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लें वो देखेगा सब कुछ ठीक मिला तो वो आपको ओके सर्टिफिकेट दे देगा ओके रिपोर्ट दे रिपोर देगा ऐसी दे सर्टिफिकेट दे देगा गड़बड़ मिली तो क्वालिफाइड देगा फिर एक छः महीने से साल भर में फॉलो ऑन ऑडिट होगा साल भर बाद होता है आप कम करा सकते हो छः महीने में और फिर सब कुछ सही निकला तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्शन सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो अब आप इयर रिव्यूड फॉर्म माने जाएंगे लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने के लिए आपके पास ऑडिट एक्सेप्ट करते समय रिपोर्ट देते समय दोनों समय वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ये क्वालिफाइड रिपोर्ट ईयर रिव्यू में रिव्यूअर सीए होता है भेजने वाला आई होता है ऑडिट ईयर रिव्यू प्रैक्टिस यूनिट सी का होता है तो सब इंटरनल एफ आई और अपने बीच की बात है सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं है सरकार ने बोला यार तुम घर घर में मालूम बड़ा सब मिली भगत हो गई तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का इसमें ग्यारह लोग होते हैं पांच सी के पांच सरकार के और ये मिलके नॉमिनेट करते हैं एक चेयरपर्सन तो इसमें इसका क्या काम है ये काउंसिल को क्वालिटी ऑफ सर्विस पे रिकमेंडेशन दे सकता है और क्या बेहतर करना है वो गाइड कर सकता है प्लस लोगों का रिव्यू भी कर सकता है नॉर्मली ये जहाँ पे रिस्क लगता है या कंप्लेन आती है उन्हीं पर्टिकुलर कंपनीज के ऑडिटर के वक्त को रिव्यू करता है ये टेक्निकल रिव्यू और एम्पैनल करता है जो जाके रिव्यू करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं पर इसमें भी आदत वाई सी आई है तो इसलिए बनाई गई है एक नफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 132 थर्टी टू ऑफ कंपनीज एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है प्योरली इसके दो काम है एक तो मॉनिटर और इन्फोर्स करना अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को प्लस हमारे चार्टड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज की क्वालिटी को ओवरसी करना और इम्प्रूमेंट्स रेकमेंड करना ये क्या करता है ये बेसिकली देखता है कि एस एंड एस 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 फॉलो हो रहे हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी है और ज़रूरत पड़ती है तो ये मैनेजमेंट के अकाउंटेंट्स या ऑडिटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है पर क्योंकि ये नफरा सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है तो इसका इंटरेस्ट हर कंपनी में नहीं है तो सिर्फ जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में जनता का इंटरेस्ट होगा जैसे कि लिस्टेड कंपनी या बैंक इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी टाइप की कंपनीज प्लस कुछ और भी कंपनीज डिफाइंड है उसमें लिमिट दी है पाँच सौ हजार करोड़ की सेक्शन 132 के अंदर दिए गए रूल्स में रूल थ्री नफरा रूल्स की तो उनमें जो कंपनियां कवर होती है उन कंपनियों और उनके मटीरियल सब्सिडी एसोसिएट्स और उनके ऑडिटर के ऊपर ही नफरा सुपरविजन रखता है बाकी पर तो ऐसा कहते हैं कि जो भी नफरा के स्कोप में आ रहा है उसे नफरा डील करेगा जितनी कंपनियां नफरा के स्कोप में नहीं आ रही है वो सब क्वालिटी रिव्यू के सोर्स में और अगर कोई क्वालिटी रिव्यू वाली एंटिटी को भी नफरा ने अपने स्कोप में ले लिया तो फिर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी नफरा की सुप्रीम अथॉरिटी है कोई भी चीज़ नफरा के पास चली गई तो फिर आईसीआई भी कुछ नहीं कर सकता तो ये लिस्टेड और स्पेसिफाइड कंपनी करते हैं ये बाकी सबका करते हैं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जो नफरा करेगा वो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं करेगा बचे हुए क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को मिलेंगे अब तो लिमिटेड सा डिस्कशन है जाता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर वन कंप्लीट हो जाता है किन किन चीजों पे क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए प्योर रिव्यू रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने इनकारट नहीं क्योंकि है क्योंकि बहुत ही एकदम समराइज है थैंक यू